जहां देखो वहां पर वफ का बोर्ड लगा देते हैं, लैंड कब्जा करते हैं। हमारे तेलंगाना में जो शमशाबाद एयरपोर्ट है ना, वो एयरपोर्ट टोटली 5,500 एकड़ में वो पूरा एयरपोर्ट है, जिसमें से 1,100 एकड़ लैंड ये अपना बताते हैं। तेलंगाना में ऐसे कई बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स है, उसको ये लोग नोटिस भेजते हैं कि ये लैंड हमारा है। यानी वफ के जो अधिकारी है उसका बहुत ही गलत तरीके से उपयोग इन्होंने किया है। इसलिए संशोधन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे मुसलमानों ने निवेदन किया, तब जाकर उसको संशोधन करने की योजना रखी। अमेंडमेंट बिल नहीं आए हैं, लेकिन उसका काफी अपोज हो रहा है, अपोजिशन पार्टी बहुत अपोज कर रही है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड सामने। मैं सभी पॉलिटिकल नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हें दिक्कत क्या है? आज वफ में संशोधन होना बहुत जरूरी है। 1950 में हमारे नेहरू जी ने लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनसे मिलकर जो भारत से भागे दुम दबाकर, पाकिस्तान जो पाकिस्तान बना, उनकी जमीनें बचाने के लिए वो समय पर वफ एक इम्प्लीमेंट करेंगे, एक एक्ट ले करेंगे बोल के वो समय पर उनकी प्लानिंग हुई, उसको 95 में इम्प्लीमेंट किया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि उसको इतना खतरनाक एक्ट बनाया गया कि अगर सपोज मेरे पीछे एयरपोर्ट है, अगर ये एयरपोर्ट के ऊपर अगर कोई नोटिस लगा दे उनका कोई कर्मचारी कि वफ लैंड है, तो भारत देश का कोई भी कानून ये एयरपोर्ट को नहीं बचा सकता, उतना स्ट्रांगली उस एक्ट को बनाया गया। जब 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए, वो समय पर वफ लैंड भारत में कितना था? 4 लाख एकड़, और आज कितना है? 9,40,000 एकड़। इतना लैंड कहां से आया इनके पास? क्योंकि जो लोग पाकिस्तान भाग गए उनका लैंड तो इतना नहीं था। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों का लैंड जिन्होंने ट्रेनों में हिंदुओं को मार मारकर लाशें भर भर के भेजी भारत को, ट्रेनें भर भर के, ऐसे लोगों का लैंड बचाने के लिए एक्ट बनाते हैं कांग्रेसी, और खुलेआम इनका जमीन कब्जा करने के लिए देते हैं। इतना लैंड इनके पास कहां से आया, यह सोचने समझने की, इसीलिए उसमें संशोधन लाने की बहुत जरूरी है। जहां देखो वहां पर वफ का बोर्ड लगा देते हैं, लैंड कब्जा करते हैं। हमारे तेलंगाना में जो शमशाबाद एयरपोर्ट है ना, वो एयरपोर्ट टोटली 5,500 एकड़ में वो पूरा एयरपोर्ट है, जिसमें से 1,100 एकड़ लैंड ये अपना बताते हैं। तेलंगाना में ऐसे कई बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स है, उसको ये लोग नोटिस भेजते हैं कि ये लैंड हमारा है। यानी वफ के जो अधिकारी है उसका बहुत ही गलत तरीके से उपयोग इन्होंने किया है। इसलिए संशोधन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे मुसलमानों ने निवेदन किया, तब जाकर उसको संशोधन करने की योजना रखी। तो इन जो हमारे जितने भी जो पॉलिटिकल लोग हैं, इनको क्यों दर्द है? क्यों दर्द है बोले तो, इन्हीं के कार्यकाल में हजारों एकड़ लैंड, लाखों एकड़ लैंड वफ ने कब्जा किया। अगर इनका भेद ना भार आ जाए, इसलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं।